मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, हम सबका दिल भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को इसी में राजनीति सूझ रही है, इसी में राजनीति सूझ रही है। ट्वीट फटकार रहे हैं, केवल ट्वीट, जनता के बीच कभी आते जाते नहीं, और कह रहे हैं घटना ऐसी नहीं, घटना वैसी है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गुंडे और बदमाश ये ना समझ ले कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ये मामा का राज है, गड़बड़ करी तो छोड़ूंगा नहीं। और ये ट्वीट करने वाले जितने चिल्लाए चिल्लाते रहे, गरीब की मौत पे भी राजनीति करते रहे, लेकिन मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देता। आप पूरे हिम्मत के साथ इस दर्द को पीते हुए, संयम के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, और आप में से किसी को भी हम क्या करेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं, आप निसहाय नहीं है। बाकी जिनसे निपटना है हम निपटेंगे, चिंता मत करो। कमिश्नर और आईजी खुद देखेंगे सारी चीजें। इस दुख की घड़ी में मैं अपने साथी स्वर्गीय राजीव आदिवासी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। हम राजू को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके परिवार को कोई कष्ट ना आए इसकी चिंता करते रहेंगे, और बाकी सब मिलकर साथ चलेंगे। कमजोर को कोई नहीं दबा पाएगा, ये आश्वस्त करने में आया हूं, और हम कमजोर नहीं है। अब तो मामा साथ है जी, हम सब ताकतवर हैं, कोई कमजोर नहीं है। हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन सबके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।